अगर वाइफ सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी के तहत हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर एलिगेशंस लगाती है तो इसे क्रुएलिटी नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर केस का ट्रायल चलता है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स एक्विट हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं। इन केस अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस अलाउ कर भी दिया था वाइफ के फेवर में, तो इन सभी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट ये इन्फरेंस ड्रॉ करेगी कि वाइफ कभी चाहती ही नहीं थी कि वो एक अच्छे वैवाहिक रिश्ते को व्यतीत करे, और ये एक सफिशिएंट ग्राउंड हो सकता है हस्बैंड के लिए, हस्बैंड चाहे तो इस एक्विटल के बेसिस पर इन फॉल्स एलिगेशंस को बेस बनाकर डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। तो कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के कंप्लीट लेक्चर को देख सकते हो। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।